السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست رپورٹر ایم کے علی ٹی این سی نیوز سے۔ ناظرین، ساؤزرن ایڈیشنل ڈی سی پی صاحب کشن باغ میں ان مقامات پر دورہ کرتے ہوئے جہاں پر کورونا کے پیشنٹس پائے گئے، اور ہمارے رپورٹر صوفیان عمر بلدیہ کے ان عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے جو کوارنٹائن ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں صوفیان عمر کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ اور اس کا علاج بس ایک ہی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، گھر پہ رہنا اور کسی دوسرے کے کنٹیکٹ میں نہیں جانا۔ اگر ہم یہ فالو کریں تو ہم اس کو جلدی سے جلدی جو ہے کورونا کی جو چین ہے اس کو جو ہے توڑ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے پبلک کا کوآپریشن بہت ضروری ہے، سوچون کے سینئر آفسرس کے ساتھ اور جی ٹی ایم کے سینئر آفسرس کے ساتھ اپنا جو کنٹینمنٹ ایریا ہے جہاں پہ آلریڈی کرونا وہ۔ These persons are where we have put in a white that is in the second dimension of the party. Second flag. Second, where we have second flag is the party. As a flag. Ah, flag. And the person is in the party. Check off. میں نوڈل آفیسر ہوں پل جی ایچ ایم سی کے ایریا کی طرف سے، فلک نما سرکل 10 کشن باغ بہادر پورہ ایریا کا، یہ ایریا کا نوڈل آفیسر ہوں میں کووڈ 19 کے۔ یہاں پہ جو ہے کشن باغ میں ایک پازیٹیو پایا گیا ہے اور دوسرا ایک شخص کا انتقال ہوا کرونا کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے ہم پورا دونوں ایریا میں بیریکیڈنگ لگا دیے ہیں،
ताकि अंदर के लोग बाहर ना जा सके, बाहर के लोग अंदर आए, ताकि ये फैलने से रोक लगाएं। आपके ज़रिए से सबके सबसे अपील है, गुजारिश है कि ये आप जाने कोविड 19 कोरोना पॉजिटिव इसको कंटैमिनेशन के आने से रोके, इन्फेक्शन आने से पहले घरों में रहिए। आप जैसे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसका पूरा अमल रखें, तो इस इतना रिक्वेस्ट करें हम। और जीएचएमसी पुलिस वाले, हेल्थ वाले सब एक कोऑर्डिनेशन टीम करके हम एफर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और पब्लिक के लिए बैरिकेडिंग लगा दिए। इसके जो भी चीज़ सहूलत चाहिए बल्दिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी भी प्रॉब्लम ना आए। तो और एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबके, गवर्नमेंट सबके भलाई के लिए करें इतने काम, आप समझ के ज़रा सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करें कि घरों में रहिए, बाहर ना निकले, ऐसे ज़रूरी काम पे ही आइए। वो आए जब मास्क पहन के आइए, एक एक जने आइए, दो दो तीन तीन जने पूरा परिवार लेके आ रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, बाहर ना आए, घरों में रहिए अपने। भाई सोफिया अनुमर, किशनबाग के वो एरिया में आज हम आए हैं जहाँ दो दिन पहले फैमिली को आइसोलेशन के लिए लेकर गए थे, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन आवाम को ये अवेयरनेस के लिए ये बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ से सील कर दिया गया है, तो आप ये चीज़ से अवेयर रहिए कि आपके एरिया में भी ये ना हो। तो आप गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को टोटली फॉलो करते हुए घर पर रहिए, सेफ रहिए। वालेकुम, मैं रिपोर्टर सोफिया अनुमर, आज हम किशनबाग के वो एरिया में आए हैं जहाँ पर दो दिन पहले फैमिली को आइसोलेशन के लिए लेकर गया था। तो अभी मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये चीज़ का अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ जो पूरी तरीके से बंद कर दिए। तो आपके एरिया में अगर आप घर पर रहे तो शायद आपके एरिया में ये ना हो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है आपको वो फॉलो करिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। माय रिपोर्टर सोफिया अनुमर।